Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, UIJKEO, that's International JK Olympiad Educationist for grade 9th. अब जो बात हम आज करने वाले हैं वो बहुत मज़ेदार बात है, खूब सारा न्यूज़ में है तो खूब सारी सुनी भी होगी। और आज हम बात करने वाले हैं जो मज़ेदार से टॉपिक के बारे में जो कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, और इन भाई साहब को देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम कितनी बात करने वाले हैं। हम ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं चीता इज़ बैक। यस, चीता एक्चुअली प्लूरल होना चाहिए, चीताज आर बैक होना चाहिए, बट थोड़ा सा सुनने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा स्टाइलिश टाइप का लग रहा था चीता इज़ बैक, तो इसलिए लिख दिया है ना, गब्बर इज़ बैक टाइप का। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है शॉर्टी नोट सीरीज़ का टॉपिक है, कंटेक्चुअल जीके का टॉपिक है, कंटेक्चुअल करंट अफेयर्स का टॉपिक है। ऑफकोर्स वी नो, हमें मालूम है कि नामीबिया से चीते आए हैं इंडिया में, रिलोकेट किए गए हैं, ट्रांसलोकेशन हुआ है एक्चुअली उनका, और वो भारत में आए हैं, और कितने साल बाद आए हैं, तकरीबन 70 साल बाद, लाइक 70 ईयर्स। अगर हम आधिकारिक तौर पे देखें तो 70 ईयर्स बाद भारत में चीतों की वापसी हुई है। ठीक है, तो बहुत न्यूज़ में भी थे, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें इनफैक्ट बड़ा मीम्स वगैरह भी बन रहे थे कि चीता इतना ज़्यादा मतलब उसके ऊपर मीम्स बन गए हैं, इतना ज़्यादा उसका स्वागत किया गया है, बिल्कुल ऐसे स्वागत किया गया है कि मैंने एक मीम देखा था कि चीता भी बेचारा कन्फ्यूज़ हो गया होगा कि वो भारत आया है या उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं चीता इज़ बैक। और जैसा कि आप जानते हैं शॉर्टी नोट सीरीज़ में, ऑफकोर्स जो कि नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बता दूँ कि शॉर्टी नोट सीरीज़ एक हमारी ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम दो तरह से बात करते हैं, या तो हम कंटेक्चुअल करंट अफेयर्स का टॉपिक लेते हैं जैसे कि आज हम लेने वाले हैं, पर इसमें हम बैकग्राउंड स्टडी भी करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, हम बैकग्राउंड स्टडी भी करेंगे इसमें, और इसमें एक और चीज़ है, इसके साथ हम स्टैटिक जीके का भी हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो वो अलग शॉर्टी नोट सीरीज चलती है, फिलहाल तो जो हम कर रहे हैं वो कंटेक्चुअल करंट अफेयर्स ही है। ठीक है, अब एक और बात आप समझ लीजिए, आप जानते ही हैं जो कि पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो ये बात जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता, आपको कोई पैकेज परचेज नहीं करना होता, आपको किसी भी प्रकार का कूपन अप्लाई नहीं करना होता, कोई भी कंडीशंस अप्लाई वाला फंडा यहाँ पे नहीं है, है ना। वो आता है ना, आप कहते हैं हैश टैग या एस्ट्रिक होता है बेसिकली कंडीशंस अप्लाई, राइट, तो उस तरह की कोई चीज़ नहीं है, आपको मिलती है एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और 100% क्वालिटी कंटेंट, राइट। तो अब फटाफट आ जाते हैं, ये चीता महाराज के साथ अपन बात करना चालू करते हैं। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 17 सितंबर को 2022 विच इज़ ऑफ कोर्स यू नो वेरी 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 करंट अफेयर्स, 8 साउथ ईस्ट अफ्रीकन चीता जो हैं वो नामीबिया से अफ्रीका से लाए गए हैं मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, जहाँ पे वो रिलीज़ किए गए हैं प्रधानमंत्री द्वारा, और बहुत बड़े बड़े आपको मालूम है कि बड़े बड़े उसमें पेपर्स में भी इनकी फ़ोटोज़ छपी थी, बड़े बड़े जो आप कह सकते हैं न्यूज़ आर्टिकल्स आपने इस पे पढ़े होंगे, आपने बहुत सारी चीज़ें इस पे देखी होंगी। इनफैक्ट जब ये आए थे तब इस तरह से जो न्यूज़ चैनल से उसका कवरेज हो रहा था, जैसे बहुत बड़े VIPs के कई आने का कवरेज होता है ना, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि अमरीका के राष्ट्रपति के आने का कवरेज इस तरह होता है, इस तरह से उनका स्वागत किया गया है। ठीक है, इतने मैसिव ढोल ताशों के साथ। ठीक है, अब इसमें हम बात कर लेते हैं, अब ये रिलीज किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा रिलीज किए गए, और इसको क्या किस प्रोग्राम के तहत रिलीज किए गए, ये कि आप इस फिलीन को, फिलीन मतलब क्या, जो बिग कैट्स होती हैं उनको आप कह सकते हैं फिलीन, फिलीन मतलब इज रिलेटेड टू कैट्स, जैसे कैनाइन जो होता है वो डॉग्स से रिलेटेड होता है, फिलीन जो वर्ड होता है वो कैट्स के लिए होता है। ठीक है, अब ये एक बिग कैट है, राइट, तो आप इसको क्या कर रहे हैं, री इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं भारत में। ठीक है, ये बात है, ये न्यूज है, और इस पे अपन आगे पढ़ लेते हैं। नाउ चीता बेसिकली है क्या, पहले अपन चीता क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है, फलीन है, बिग कैट है वो हम समझ गए, बिग कैट तो बहुत सारी होती हैं, टाइगर भी है, लायन भी है, लेपर्ड भी है, प्यूमा भी है, जैगुआर भी है, वैसे ही चीता भी है। ठीक है, चीता अलग कैसे होता है हम पहले ये समझ लेते हैं। पहली बात तो देखो, कई लोग जो है ना वो कन्फ्यूज़ किससे होते हैं, तेंदुए में और चीते में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, लेपर्ड और चीते में वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ जान के, अभी भारत में चीतों की संख्या जो है वो ज़ीरो हो गई थी, नील बटे सन्नाटा थी, 1952 के बाद चीते नहीं थे भारत में आधिकारिक तौर पर। हालांकि साइटिंग कहा जाता है 60s-70s तक भी इनकी एक आध बार हुई है, लेकिन उसके बारे में कोई भी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं मानी जाती। ठीक है, 1952 वॉज द लास्ट टाइम द चीताज वर
साइटेड इन इंडिया आधिकारिकली, आधिकारिकली लाइक आधिकारिक तौर पे, ओके ऑफिशियली, ठीक है। तो लेपर्ड और चीतों में कई बार जो स्पॉट्स की बात होती है, तो स्पॉटेड वन जो होते हैं इनके जो स्पॉट्स होते हैं वो अलग होते हैं थोड़े से, लेपर्ड के डिफरेंट होते हैं। और चीता पहचानने की सबसे होती है, चीता थोड़ा सा स्लेंडर होता है, मतलब उसकी जो बॉडी होती है ना वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं चिजल्ड बॉडी होती है चीते की, ठीक है। और बहुत ही फुर्तीला होता है, ऑब्वियसली ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लैंड एनिमल की बात करते हैं तो फास्टेस्ट लैंड एनिमल है दुनिया में, ये तो हम जानते ही हैं। चीते की रफ्तार बोली जाती है ना कि चीता जितना तेज दौड़ता है उतना दुनिया में कोई भी लैंड एनिमल नहीं है। बाकी हालांकि एक और चीज है, फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड चीता नहीं है, नॉर्मली बचपन से ही हम सुनते आए हैं दैट द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड इज चीता, जो कि गलत है। फास्टेस्ट लैंड एनिमल जो है वो चीता है। फास्टेस्ट एनिमल जब मैंने आपको किंगडम एनिमिलिया पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि दो एनिमल्स हैं जिनकी रफ्तार चीते से ज्यादा होती है, एक बर्ड होती है जिसकी रफ्तार चीते से ज्यादा होती है और एक मछली है जिसकी रफ्तार चीते से ज्यादा होती है। वो दोनों क्या हैं वो आप लोग, क्योंकि आप लोग गूगल बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं तो आप लोग मुझे देख के कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है, कि वो दो कौन से एनिमल्स हैं जिनकी रफ्तार चीते से ज्यादा मानी जाती है और जिन्होंने चीते को बीट कर दिया है टू बी द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट, ठीक है। अब खैर चीते की हम बात कर लेते हैं। चीते के बारे में नाम जो चीता है आज की डेट में भारत में नहीं है, लेकिन ये जो नाम है चीता जिसके नाम से इसको जाना जाता है, इसका साइंटिफिक नेम ऑफ कोर्स दूसरा है, लेकिन एक जनरल टर्म में हम चीता बोलते हैं। ये बेसिकली ओरिजिनेट होता है संस्कृत वर्ड से, ठीक है, संस्कृत शब्द से आता है जिसका मतलब होता है द स्पॉटेड वन। आपको इनके बॉडी में स्पॉट दिख रहा है ना उसके ऊपर, इसको बोलते हैं चीता, ठीक है। ये जो स्पॉट्स हैं इसकी वजह से इसको चीता बोला जाता है। लेपर्ड्स पे जो स्पॉट होते हैं, जैगुआर पे जो स्पॉट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनकी जो मेकिंग होती है स्पॉट्स की वो डिफरेंट होती है। दूसरी बात चीता के बारे में, मतलब सबसे ईजी तो ये होता है कि इनका मुँह जो होता है थोड़ा सा स्लीक सा होता है, बॉडी भी स्लीक होती है इनके कंपेयर टू तेंदुआ, है ना। और दूसरा आप एक और चीज़ कह सकते हैं कि इनकी ये जो लाइन्स देख रहे हैं ना आप, इनकी आँख के पास से ये ब्लैक लाइन्स, ये ब्लैक लाइन्स आपको दिखाई दे रही है, ये चीते की होती है, ठीक है। ये आपको जैगुआर में या लेपर्ड में नहीं मिलेंगी। तो अगर आप इनकी बॉडी देख के और इनके स्पॉट्स देख के इनको समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कम से कम इनकी लाइन देख के इनको समझ जाइए कि ये चीता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आप देख लीजिए ये जो स्पीशीज़ है ये कहाँ पे डिपेक्ट होती है। अगर हम बात करते हैं नियोलिथिक केव पेंटिंग में सेंट्रल इंडिया में, तो उसमें हमको चीते की पेंटिंग नज़र आती हैं, ठीक है। नियोलिथिक एज मतलब ऑफकोर्स आप समझ गए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, बहुत 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 ही ऐतिहासिक टाइम की, मतलब पेलियोलिथिक स्टोन एज की, है ना। पेलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज पढ़ी है ना हमने, तो हम नियोलिथिक एज में जो रॉक पेंटिंग्स थी उसमें हमें केव पेंटिंग में चीते की पेंटिंग मिली है, ठीक है। और इस पे आप कह सकते हैं इसकी अगर हम सब स्पीशीज की बात करते हैं तो वो कहाँ फाइंड होती हैं, वो फिलहाल ईरान में फाइंड होती हैं, अगर आप इंडिया में या सॉरी एशिया में अगर आप बात करते हैं तो, ठीक है। और ये वही स्पीशीज थी हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ इंडिया से लुप्त हो गई थी कब, 1940s में, ठीक है। मतलब आज की डेट में जो ईरान में जो चीता पाया जाता है वो माना जाता है कि वही स्पीशीज हैं जो भारत में पाई जाती थी, ठीक है, और वो हमारे यहाँ लुप्त हो गया क्योंकि हम उनका ख्याल नहीं रख पाए, ठीक है। और इनको ऑफिशियली डिक्लेयर कब कर दिया गया, 1952 में ये एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है। लास्ट चीता अगर आप बात करते हैं तो 1948 में रिकॉर्ड हुआ था, ठीक है, मतलब ऑफिशियली अगर हम रिकॉर्ड की बात करते हैं तो 1948 में आखिरी चीता रिकॉर्ड हुआ था। तीन चीते, अब इसमें एक और चीज़ है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, आप समझ लीजिए यहाँ पे जो लिखा गया है कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, जो कि एक रीजन है इंडिया का, उस टाइम पे सेंट्रल इंडिया में आता था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उस टाइम पे एक ही हुआ करता था, तो उस टाइम पे अर्स्टवाइल जो एक कोरिया आप कह सकते हैं राजघराना था, वहाँ के जो महाराज थे उनका नाम था महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव, ठीक है, महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव, वो शिकार खेलने गए, उस जमाने में शिकार बहुत खेले जाते थे, ठीक है, तो वो शिकार खेलने गए कहाँ पे, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में ही, जहाँ के वो महाराज थे वहीं पे गए और पूरा अपना लाओ लश्कर लेके वो शिकार खेलने वहाँ पे गए, और वहाँ पे साल के जंगल थे, बहुत बड़े बड़े साल के जंगल थे, तो वहाँ पे उनको तीन चीते दिखाई दिए और उन्होंने क्या किया, उन तीनों चीतों को उन्होंने मार दिया, ठीक है, उन्होंने उन तीनों चीतों को मार दिया, शूट कर दिया, और बकायदा उसके साथ उन्होंने बड़ी बड़ी
पुरानी फोटोज जो है वो बिल्कुल, जिसके आपने पुरानी देखे ना शेर के उस पर बंदूक लेके और पैर रख के खड़े हैं, उस टाइप का महाराज जी ने फोटो खिंचवाई, ठीक है, महाराजा साहब ने वैसी फोटोज खिंचवाई। और पता चला कि बाद में ये हुआ कि उसको, हालांकि आधिकारिक तौर पे, अगेन मैं आधिकारिक बहुत बोल रही हूँ क्योंकि इस टर्म पे ना बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आधिकारिक आपको ये समझना होगा कि ये इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि ऑफिशियली बहुत ज्यादा इसकी निंदा भी की गई, बहुत ज्यादा भर्त्सना की गई इसकी। क्यों की गई? क्योंकि इस पर यह बोला गया वहां पर इसके ऊपर, जब बाद में जब वो पेपर्स में फोटो वोटो पब्लिश हुई, बहुत ज्यादा आया, जब उन्होंने बड़ा अपना वेलर का जो उन्होंने काम किया था उसके साथ उन्होंने फोटो डाली, तो वहां पर बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी में, ठीक है, इसकी बहुत भर्त्सना की क्योंकि उन्होंने कहा, एक पेपर पब्लिश हुआ बकायदा और इन्होंने लिखा कि ये जो है ये आखिरी, अपने आप में कहा जा सकता है, ऑफ द डाइंग स्पीशीज के आखिरी सैंपल्स या आखिरी स्पेसिमेन थे जो महाराज साहब ने अपने शौक के लिए मार दिए, ठीक है। तो इस वजह से इनको बहुत ज्यादा इनको उसका क्रिटिसिज्म उठाना पड़ा, पर राजा महाराजा थे, कोई उन पर असर तो होता नहीं, और आपके अगर उन्हें अपोलोजाइज किया भी होगा, आई डोंट नो अगर उन्हें किया या नहीं किया, बट उनकी अपोलोजाइजिंग थे, वो बेचारे चीते जिंदा तो हो नहीं सकते, है ना, यू आर सॉरी कैन नॉट मेक अ डेड मैन अलाइव, वही वाला हिसाब है। तो ठीक है, अब इनको आप कह सकते हैं, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि 1670s तक भी काफी साइटिंग हुई है, कहा जाता है कि बीहड़ में जंगलों में कभी कभी देखे गए हैं, लेकिन उसका कोई भी पुष्टि कोई नहीं हो पाई है, वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। फिर देखे भी गए कभी तो किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं चीते नहीं थे, शायद लेपर्ड था या शायद कोई तेंदुआ था, देखने में लोगों से गलती हो गई। तो मतलब एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं कि 1952 के बाद खत्म हो गए थे भारत में चीते, ठीक है, वो जो तीन आखिरी बचे थे वो महाराज साहब ने मार दिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम चीते की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि चीता जो है उसका नाम क्या है, एक्विनॉक्स जुबैटस, ठीक है, ये उसका क्या नाम है, ये उसका साइंटिफिक नाम है। साइंटिफिक नाम क्या होता है आपको मालूम है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया में क्योंकि क्या होता है कि अलग 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 रीजनल नाम हो जाते हैं, हर भाषा में अलग अलग नाम हो जाते हैं, तो साइंटिफिक नेम एक चलता है ताकि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से उसको समझ सकें। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमको किसने दिया था, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बहुत डिटेल में हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, कैसे नाम आते हैं, स्पीशीज के नाम, जेनस के नाम, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये सब मैं नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, बहरहाल आप इसका साइंटिफिक नेम समझ चुके हैं, ठीक है। अब एक बात समझ लीजिए आप, इसको वल्नरेबल बोला जाता है, ठीक है, अब आपको मालूम है एंडेंजर्ड वल्नरेबल इस तरह की लिस्ट होती है IUCN की। IUCN क्या है, IUCN क्या है बताइए, इंटरनेशनल क्या था, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है आपको, इंटरनेशनल यूनियन माना जाता है ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की। और जब हम रेड लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें थ्रेटेंड स्पीशीज का नाम आता है रेड लिस्ट में, ठीक है, उसकी रेड लिस्ट में अगर आप बात करते हैं 2021 में तो उसमें इसका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है। IUCN में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप किंगडम एनिमिलिया पढ़ेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी, ठीक है, IUCN में हम डिस्कशन कर चुके हैं, इनफैक्ट एनवायरनमेंट में भी हम ये डिस्कशन कर चुके हैं, एनवायरनमेंट का जो हमारा कंसेप्ट है उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसकी जो संख्या है जो गिनी गई है वो 6517 मैच्योर इंडिविजुअल्स की संख्या जो है उसकी गणना की गई है 2021 में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वल्नरेबल है, पूरी दुनिया में अगर 6517 ही बचे हैं तो जाहिर सी बात है कि वल्नरेबल है, ठीक है। चीता आज की डेट में आपको मालूम है, नाम भले ही भारत से आया हो लेकिन भारत में अब चीते नहीं पाए जाते, आज की तारीख में नेटिव अगर आप मानते हैं तो कौन सी कंट्री है, बोट्सवाना है, शायद है यूथोपिया, इथोपिया है, ईरान है, कीनिया है, नामीबिया है, साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है, मतलब आप क्या समझे, बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज एंड ईरान, ठीक है। एशिया में अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा चीता सिर्फ कन्फाइंड है ईरान में, ठीक है, ईरान के अलावा चीते कहीं नहीं पाए जाते, एंड कंप्राइज द सब स्पीशीज कौन सा है आप ये भी समझ जाइए, AG वेनाटाइकस, ठीक है, जिसको कॉमनली आप कहते हैं एशियाटिक चीता, ठीक है, दो तरह के होते हैं एशियाटिक और अफ्रीकन, हमारे यहाँ जो आए हैं वो अफ्रीकन है। एशियाटिक चीता जो कि पहले सेंट्रल इंडिया में पाया जाता था, अभी वो फिलहाल ईरान में पाया जाता है और सिर्फ ईरान में ही पाया जाता है, ठीक है, और उनकी संख्या भी बहुत ही लिमिटेड है, बहुत कम है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि वहाँ पर आप कह सकते हैं कि वहाँ पर संख्या के तौर पर अगर आप देखते हैं, रीसेंट रिव्यू ने बताया है कि मात्र 50 से भी कम जो है वो मैच्योर चीते वहाँ पर ईरान में बचे हैं, ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि हार्डली 20-22 के आसपास की संख्या है, कुछ लोग कहते हैं कि 50 के आसपास की है, 45-47 के आसपास की संख्या है, मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि 50 से कम बचे हैं वहां पे।
ठीक है, इसी वजह से आप ये कह सकते हैं, इसी को मानते हुए कि भाई एशियाटिक चीतर की जो संख्या है वो ईरान में सर्वाइवल के मोड के लिए फाइट कर रही है, ठीक है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि यही वजह है कि हमने कंसिडर नहीं किया कि हम एशियाटिक चीते को वापस इंडिया लाएं, हालांकि वो आया इंडिया से ही था, मतलब वो पाया इंडिया में ही जाता था, लेकिन हम इसी कारण क्योंकि उसकी संख्या इतनी लिमिटेड है हम उनको वापस इंडिया नहीं लाए, बल्कि हमने ट्रांसलोकेशन के लिए क्या चूज़ किया, हमने ट्रांसलोकेशन के लिए चूज़ किया कि हम अफ्रीकन चीता को लाते हैं इंडिया में, जो कि ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन हो गया, ठीक है, मतलब अगर एशिया में ईरान से आते तो क्या होता, फिर ट्रांसलोकेशन होता, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो दूसरे कॉन्टिनेंट से आए हैं इसलिए ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन हुआ है चीतों का भारत में, ठीक है, और इसलिए जाहिर सी बात है कि हमको महंगा भी ज्यादा पड़ा है। Now, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो सबसे पहले ये समझो कि 2010 में 2009 में सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा हुई थी, सबसे ऊपर उस टाइम पे एनवायरमेंटल मिनिस्टर थे आपके, मेरे ख्याल से रमेश जी शायद एनवायरमेंटल मिनिस्टर थे उस टाइम पे, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर बात करना चालू की थी, ठीक है, फिर उन्होंने क्या की थी, मतलब वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ने इसके ऊपर बात करना चालू की थी, उनकी बैकिंग थी, ठीक है, और इसमें चीता को वापस लाने की बात हुई 2009 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, फिर इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सपर्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल डिसाइडेड टू कंडक्ट साइट सर्वेस टू एक्सप्लोर पोटेंशियल ऑफ री इंट्रोडक्शन। अब उसमें क्या हुआ कि जब हमने ये बात की, रमेश जी ने ये बात बोली, आगे बढ़ाई, मतलब इन्होंने वाइल्ड ट्रस्ट वालों ने उनसे जाके बात की जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बात जो है आगे बढ़ाई, फिर इसके ऊपर क्या हुआ, अलग अलग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो साथ में आए, संगठित हुए, उन्होंने इसके ऊपर चर्चा की, फिर ये बात की गई कि भैया इंडिया में जो नेशनल सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उनको देखो कि कौन सी सबसे सही लोकेशन हो सकती है जहाँ पर आप चीतों को ला सकते हैं या पुनः स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, उनका पुनर्वास कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि उसमें पुराने जो रेंज थी चीतों की वो देखी गई, जिसमें आप छत्तीसगढ़ का नाम सबसे पहले आया, गुजरात का आया, राजस्थान का आया और मध्य प्रदेश का आया, ठीक है, इनको प्रायोरिटाइज किया गया बाकी जितने हमारे स्टेट थे उनमें से। अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी आगे जाके बहुत ज्यादा चर्चा हुई, बहुत डिस्कशन हुआ, तो 10 सर्वे जो है साइट जो है सेंट्रल इंडिया स्टेट्स की बोली गई, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो नाम आया था वो छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का आया था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ नेक्स्ट, अब इनमें जो सर्वे की गई साइट्स की, सेंट्रल इंडिया की साइट्स को सर्वे किया गया और फिर कूनो पालपुर नेशनल पार्क, जिसको KNP बोला जाता है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, उसको ज़ीरो डाउन किया गया। उसको ज़ीरो डाउन इसलिए किया गया क्योंकि एक तो ये देखा गया कि उसका क्षेत्रफल को देख के, और दूसरा उसमें देखा गया कि उसके पास एडिक्वेट प्रे बेस है, मतलब चीतों को जिस तरह की जगह पे रखना है उनके हैबिटेट से मिलता हुआ था, और एडिक्वेट प्रे बेस जो है वो वहाँ पे देखा गया कि वो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपने वो की गई, उसके ऊपर काफ़ी सर्वे काफ़ी स्टडी हुए। अब इसमें से एक और चीज़ समझो कि इसका हम एक अदर साइड भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना, अदर साइड हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जब हम कूनो नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं तो उसमें आसपास जब ये कहा जाता है कि हैबिटेशन नहीं है, या हैबिटेशन नहीं मतलब अगर आप कहें कि वहाँ पे लोगों की संख्या नहीं है या ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, तो इसके ऊपर एक अदर जो अदर साइड है हम चीतों का, हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब KNP के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। KNP जो है वो तकरीबन कितना है, 748 स्क्वायर किलोमीटर में KNP फैला हुआ है, और जैसे मैंने कहा डिवॉइड है ह्यूमन सेटलमेंट से, तो ये हमेशा से ऐसा नहीं था, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे समझो कि इसके बारे में एक ह्यूमन साइड जो स्टोरी की है वो आपको शायद कोई नहीं बताएगा, वो थोड़ी सी अलग साइट है, और वो इसके ऊपर बात ये होती है कि आज से 25 साल पहले, ठीक है, गिर नेशनल फॉरेस्ट से, जो आपको मालूम है हमारे गुजरात में है, वहाँ से एशियाटिक लायन लाने की बात हुई थी कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है, उसको लाने की बात की गई, तब ये हुआ कि वहाँ पे जितने सेटलमेंट थे, गाँव थे, तकरीबन 24 गाँव जिसकी संख्या जितनी जो जिनमें रहने वाले रिहायशी लोगों की संख्या जो थी 1500 थी, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया, उनको वहाँ से हटा दिया गया, और उनको कहा गया कि आपको हम कहीं और सेटल करेंगे, आपको ज़मीन दी जाएगी और आपको घर जो है आप वहाँ पे जाके बनाइए, आपको मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। बाद में 2004 में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक तरह से आप कह सकते हैं उस पर दोबारा रिव्यू हुआ, और फिर वो जो गिर नेशनल पार्क से जो एशियाटिक लायन आने वाले थे वो नहीं आए, और इन्होंने कहा
ना कि हम उसको इंटर स्टेट ट्रांसफर की जगह हम स्टेट में ही उसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और उनकी संख्या बढ़ाने की बात थी और बाकी सारी चीज़ें थी। तो 2004 में बहरहाल 20 साल बाद तक भी आज की डेट में भी एशियाटिक लायन जो है गिर से इसमें नहीं आए, लेकिन वहाँ से जो लोगों की संख्या थी जिनको डिस्प्लेस कर दिया गया था, जो 24 गाँव में रहने वाले लोग थे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया, और कहा जाता है कि आज तक भी उनको रहने के लिए परमानेंट सेटलमेंट के तौर पे कोई ज़मीन नहीं दी गई है, ठीक है। इसी के तहत अगर आप बात करते हैं तो आप कितना, आप सोचिए कि एक ह्यूमन साइड पे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ को लेके कि लोगों को आपने, आप चीते लाना चाहते हैं, आप शेर लाना चाहते हैं, आप लायन लाना चाहते हैं, आप सब करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इंसान है, जो इंसानों की आबादी है, आपने उनको डिस्प्लेस कर दिया और उनके किसी भी रहने का इंतज़ाम जो है पुख्ता इंतज़ाम नहीं किया गया। आज भी वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं वेगाबॉन्ड या जिसको आप कह सकते हैं नोमैडिक काइंड ऑफ लाइफ जीने के लिए मजबूर हैं ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द पार्क, ठीक है। इसके अलावा जब हम आज भी बात करते हैं इनके, जब हम बात करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट की बात करते हैं, तो आज भी 2013 में सबसे पहले इसके ऊपर जब बात की गई, 2009 से ये बात होना चालू हो गई, ठीक है, 2009-10 से ये बात होना चालू हो गई। अब इसमें जब आप बात करते हैं तो 2013 में तकरीबन एक गाँव सबसे पहले उठाया गया, बागचा नाम था उस गाँव का, ठीक है, बागचा नाम था उसका, जनगढ़ और तीन गाँव एक्चुअली थे, बागचा, जनगढ़ और मराठा, ठीक है, लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, बागचा, जनगढ़ और मराठा, ठीक है, ये तीन गांव थे जिसमें से जितनी इनकी आबादी थी इनसे बात की गई 2013 में कि इनको यहाँ से रिलोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसमें आप ये मान सकते हैं तकरीबन 2500 लोग इसमें रहते थे, ठीक है, 2500 लोगों के आसपास की इसकी आबादी मानी जाती है मोटे मोटे तौर पे। लेकिन अब आपने इनको रिलोकेट तो कर दिया, लेकिन 2013 के बाद आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परमिशन तो दी नहीं, ठीक है, इसमें चीज़ें जो हैं एक तरह से अटकती चली गई। जैसे आपको मालूम है कि हमारे यहाँ रेड टेपिज़म की बहुत ज़्यादा घटनाएँ हैं, आपको मालूम है बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ कई बार बहुत बातें जो हैं उलझ जाती हैं हमारे यहाँ, है ना, तो वो नहीं हो पाया, ठीक है। तो आज की डेट में आप कहते हैं कि ये जो लोग हैं इनको भी आपने डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो जब हम ये कहते हैं ना कि डिवॉइड ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, एक तो क्या हुआ, इनसे किस बेसिस पे आपने इनको हटाया, कि आपसे कहा गया कि भैया इनका इंट्रैक्शन जो है ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो सकता है, बिकॉज ये बिग कैट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होती, अटैक करने की जो घटनाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, बहुत समस्याएँ जो हैं वो हो सकती हैं, तो आपको इनको रिलोकेट करना बहुत ज़्यादा, पुनः कहीं और इनको शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब ये हो गया 2013 में, इसी वजह से शायद आज की डेट में आप ये समझ सकते हैं कि इसी वजह से आज की तारीख में ये KNP जो है वो हमने चुना, ठीक है, क्योंकि आपने कह दिया कि अकेला है जो कि पूरी तरह ह्यूमन सेटलमेंट से डिवॉइड है, लेकिन ये अदर साइड ऑफ द स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अब इसमें आप बात कर सकते हैं ये किस जगह पे आता है, ग्वालियर के आसपास इसको माना जाता है, ग्वालियर एक बड़ा शहर है तो आपको एक माइलस्टोन के तौर पर याद रहेगा, शिवपुर और शिवपुरी जो है वहाँ पर डिसिडियस ओपन फॉरेस्ट लैंडस्केप्स हैं, ठीक है। तो ये अगर आप कहते हैं तो जैसे मैंने कहा कि हैबिटेट के तौर पर काफ़ी अच्छा माना जा रहा है एरिया, कि काफ़ी उनके लिए सूटेबल हैबिटेट है, और जो एरिया है तकरीबन वहां बोला जा सकता है कि 21 चीते जो हैं ये उन्होंने जो पहले सर्वे हुआ था उसमें आया कि तकरीबन 21 चीते जो हैं उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब कूनू का, जैसे मैंने कहा, इज द ओनली वाइल्ड लाइफ साइट इन द कंट्री वेयर हैज बीन अ कंप्लीट रिलोकेशन ऑफ विलेज फ्रॉम इनसाइड द पार्क, ये आप समझ ही चुके हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि कूनू जो है अकेला ऐसा एशिया नेशनल पार्क है इंडिया में जिसमें पूरा का पूरा आप कह सकते हैं रिलोकेशन हुआ है, ह्यूमन सेटलमेंट का रिलोकेशन हुआ है जिसका जो कि इनसाइड ऑफ द पार्क में थे, मतलब कई लोगों ने, अगर आप इसमें इंटरव्यू भी हुए, कई लोगों ने इसमें बात भी की, कुछ लोग हैं जो जिनको बचपन से जो है वो पार्क के अंदर रहे, और पार्क का क्षेत्र मतलब ये पार्क नहीं होता एक्चुअली, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें अलग अलग जगहों पे गांव बसे होते हैं, ठीक है, तो उसमें कई लोग हैं जो वहाँ पे रहते थे और उनको फोर्सफुली हटना पड़ा, मतलब ये कोई उन्होंने बाय चॉइस अपनी जगह नहीं छोड़ी है, ठीक है, सरकार ने उनसे बोला, इस वजह से उनको हटना पड़ा, और क्योंकि वो 2013 से ही रिलोकेट हो गए थे तो आपको एक तरह से आपको ओपन स्पेस मिल गया उनको लाने का। अब चीतों को लाने की जब बात हुई तो अगर आप इसमें बात करते हैं तो काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने इस पर अपनी अलग अलग, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी अलग अलग राय भी दी है, कई लोगों का ये कहना है कि लाने का जो निर्णय है चीतों को ये शायद उतना सही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा वायबल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो आप जो ग्रासलैंड बचाने की बात कर रहे हैं ना,
ग्रासलैंड्स को आप रीस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, या ग्रासलैंड कंजर्वेशन की जब आप बात कर रहे हैं, या आप चीता कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, या आप इनको एज अ हाई प्रेडेटर, जिसको आप कहते हैं टर्शरी प्रेडेटर के तौर पर, अगर आप इनको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो वो शायद उतना सार्थक सिद्ध ना हो, क्योंकि अभी आपको ये नहीं मालूम कि कूनो नेशनल पार्क एक ऐसा पार्क है जहाँ पे वहाँ पे चीतों की संख्या भी है, वह अब चीतों की संख्या भी हो गई है, लेपर्ड भी वहाँ पर है, लायन भी है और टाइगर भी है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ना सिर्फ भारत में, अगर हम बात करते हैं तो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में कूनो नेशनल पार्क अकेला ऐसा नेशनल पार्क बन गया है जिसमें चार प्रकार की बिग कैट्स जो हैं एक साथ पाई जाती हैं, जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड और चीता एक साथ एक ही उसमें रहते हैं, एक ही पार्क में रहते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, और इसकी हिस्ट्री भी इस तरह से देखी गई है, और इसी वजह से कूनो नेशनल पार्क को चूज़ किया भी गया है, ठीक है। लेकिन अभी जो लोगों की मैं बात बता रही हूँ, उनको क्या समस्या थी, उनका ये कहना था कि अगर आप ये कर रहे हैं तो उसकी जगह जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, बल्कि उनकी जो संख्या है वो बहुत कम होती जा रही है, तो बाहर से चीते लाने की जगह आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो संख्या है उनको बढ़ाने पर काम कीजिए, ठीक है। अब ये बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस पर निकल के सामने आती हैं। एक लॉरी मेकर करके हैं, ठीक है, जो कि चीता कंजर्वेशन फंड की चीफ हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत ही निर्णायक, या आप बोल सकते हैं बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है इस ट्रांसलोकेशन में। तो उनकी भी अपनी अलग अलग सी सोच है, उनका भी कहना है कि हो सकता है ये एक अच्छा कदम सिद्ध हो। तो लोगों की, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि लोगों की अपनी अलग अलग इस पे विचारधारा है, अलग अलग कंजर्वेशनिस्ट की, अलग अलग एनवायरमेंटलिस्ट की, नॉट एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज अबाउट इट। तो एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट ये है। नाउ नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, जनवरी 2020 में, ठीक है, जनवरी 2020 में क्या हुआ, मैटर वेद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अप्रोच द एससी अगेन फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मैटर जो है किसने रेस किया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अप्रोच किया, और उन्होंने कहा एससी को इंट्रोड्यूस करने के लिए चीता को इंडिया में। इट वॉज सबमिटेड दैट द अफ्रीकन चीताज विल बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन द केयरफुली चोजन हैबिटेट। और क्या बोला गया कि भाई हम लाते हैं अफ्रीकन चीताज को, एशियन चीताज की बात पहले ही खत्म हो गई, ठीक है। उन्होंने कहा हम अफ्रीकन चीता को लाते हैं, लेकिन हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लाएंगे, हम देखेंगे कि भाई वो कितना सर्वाइव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं हमारे यहाँ, हमारा जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का हैबिटेट है, जाहिर सी बात है सब चीज़ों का फर्क होगा, क्लाइमेट का फर्क होगा, बाकी चीजों का फर्क होगा, हैबिटेट का, नेचुरल सेटअप का, बहुत सारी चीजों का। तो हम उनको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लाएंगे और हम देखेंगे कि वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एससी ने फाइनली अलाउ कर दिया 2020 में इस बात को, ठीक है। अभी तक जो है नानुकुर के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए हरी झंडी दिखा दी, ठीक है। अपॉइंटिंग एक्सपर्ट कमेटी, अब इसमें क्या हुआ, एससी ने फिर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की जिसने डिसाइड किया वायबिलिटी, और उन्होंने इसके ऊपर पूरी स्टडी की कि भैया अफ्रीकन चीतों को कहाँ ला सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, क्या वायबिलिटी होगी, अगर आप इनको बड़े स्केल पर लाना चाहें तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी होगी, क्या ड्रॉबैक्स होंगे, उसके ऊपर पूरा एक कमेटी गठित की गई जिसके ऊपर बात की गई, ठीक है। इस कमेटी में कौन कौन था ये हम आगे पढ़ते हैं। कमेटी में कौन कौन इंक्लूडेड है ये समझ लेते हैं अपन। पहली बात, पहले जो नाम आता है वो था एम के रंजीत सिंह का नाम, ठीक है, जो कि क्या है, ये डायरेक्टर थे वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के, ठीक है, फॉर्मर डायरेक्टर थे, मतलब पहले डायरेक्टर थे, रिटायर हो चुके हैं। उसके अलावा धनंजय मोहन का नाम आता है जो कि चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट हैं, कहाँ के, उत्तराखंड के, है ना, उत्तराखंड स्टेट के, एंड डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ। इन लोगों ने टीम गठित की, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप इतनी बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं तो आपको बहुत एक्सपर्ट लोग चाहिए होंगे अपने अपनी फील्ड के, और जाहिर सी बात है जब चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ अगर आप बात कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, तो उनसे बेहतर लोग कौन हो सकते हैं, गुड टू गो कि सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है, पॉलिटिकल पार्टीज करती तो उसमें कोई ना कोई राजनेता को घुसा देती, कोई ना कोई ऐसे लोगों को घुसा देती जिनको कोई अता पता ही नहीं होता इस चीज़ का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है तो कम से कम सही लोगों को ने गठित, सही लोग आए हैं उसमें। फाइनली क्या हुआ है, फाइनली हो गया, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग डन एंड डस्टेड, फाइनली ये डिसाइड हुआ कि भैया अब नामीबिया से जो है वो चीते मंगाए जाएंगे, ठीक है। और कितनी उनकी संख्या चूज़ की गई, संख्या उनकी चूज़ की गई कि 8 चीतों को अपन मंगाएंगे, ठीक है, 8 चीते मंगाएंगे, जिसमें से आपको मालूम है कौन से, 5 जो होंगी मादा होंगी और 3 जो होंगे नर होंगे, मतलब क्या, 5 फीमेल एंड 3 मेल्स होंगे, जो कि मॉडिफाइड पैसेंजर जंबो जेट में आएंगे। मतलब कौन से जंबो जेट में आए भाई साहब, ये बोइंग 747 में आए हैं ये, ठीक है, मॉडिफाइड
कटाई क्यों किया गया है, क्योंकि इनकी आप फोटो देखेंगे ना तो बिल्कुल उस पर चीते के मुंह का जम्बो जेट है, वो बहुत ही सुंदर जम्बो जेट उसको सजाया गया है, तैयार किया गया, उसको तैयार करने में और पेंट करने में ही बहुत पैसा लग गया होगा अपना, ठीक है। इतना आप सोचें मतलब कितना जिसको आप कहते हैं एंथुजियाज्म के साथ इनको लाया गया है, ठीक है। तो मॉडिफाइड जम्बो जेट पैसेंजर जम्बो जेट से इनको लाया गया है, और ये कहाँ से लाए गए हैं ये आप बात कर लीजिए, वेंडोर्क नमीबिया से सितंबर 16 को निकले थे, फिर नेक्स्ट डे जो है ये ग्वालियर पहुंच गए, ठीक है, ग्वालियर पहुंच गए, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है उसके बाद चीतों को कहाँ ट्रांसफर किया गया, कूनो नेशनल पार्क किया गया हेलीकॉप्टर में, ठीक है। जैसे मैंने कहा बोइंग 747 में आए हैं ये, उसकी मैं फोटोग्राफ भी है आगे अपन देखेंगे क्योंकि इतना सुंदर उसको बोइंग को इनने सजाया है, ठीक है। अब एक और चीज़ है, अगर आपने अंदर की भी बहुत सारी फोटोज जो है उसके बोइंग के अंदर की भी जो है वो प्रसारित हो रही थी, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कंटेनर्स में, बड़े बड़े ऐसे कंटेनर्स थे जिसमें वो 8 चीतों को रखा गया था, और इन कंटेनर्स में जाहिर सी बात है कि होल किए गए थे क्योंकि वो सांस कैसे लेंगे वरना बेचारे, ठीक है, उनको रखा गया था। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि खुले में कोई इनको साथ में लेकर आया तो किसी की इतनी दम नहीं थी, ठीक है, तो वो कोई चाहे वो चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट हो चाहे कोई हो, कोई हो, ऐसे 8 चीतों को वो खुले में नहीं ला सकते थे, बॉक्सेस के अंदर आए हैं बाकायदा, फिर उन बॉक्सेस को बहुत ही एहतराम के साथ उठा के जो है वो एक एक बॉक्स को लिफ्ट करके हेलीकॉप्टर में प्लेस किया गया था, और उस हेलीकॉप्टर से उसको प्लेस करके फिर वो पहुंचाए गए कहां, कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। अब वो कूनो नेशनल पार्क पहुंचा तो दिए गए, अब उसमें भी आगे अपन स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि ट्रांसकॉन्टिनेंटल जब मैंने बात की तो ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन जो है मेजर स्टेप माना जाता है नमीबिया के लिए भी, मतलब आप ये मान सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि नमीबिया ने भी क्या किया है, साउथ अफ्रीकन चीते जो है वो वर्ल्ड में पहली बार कहीं और भेजे गए हैं, ठीक है। अपने ही देश में गोल गोल घूमते रहे बात अलग है, लेकिन अगर आप ट्रांसकॉन्टिनेंटल या ट्रांसनेशनल या आप कहते हैं ट्रांसलोकेशन की बात होती है तो पहली बार अपनी तरह की पहली चीज़ है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो चीते वाली चीज़ वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर सवाल जो है वो आ सकता है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जा रही है, आना है इनको कायदे से अमृत महोत्सव जो था अपना उसमें था, मतलब 15 अगस्त हुआ था ना तो 15 अगस्त को इनको आना था, बट बिकॉज ऑफ दी जैसे मैंने कहा कि अपना थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस इंटरनेशनल बॉर्डर का मामला था, बहुत ज़्यादा ट्रांसलोकेशन ट्रांसकॉन्टिनेंटल वाला मामला था, तो पेपर वर्क वगैरह में टाइम निकल गया, तो फाइनली क्या हुआ कि कहा गया कि भैया मोदी जी का बर्थडे है, मोदी जी को खुश कर दिया जाए, प्रधानमंत्री हैं उनको बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर उनके बर्थडे के दिन लाए गए हैं, ठीक है, वरना से इसको कब आना चाहिए था, 15 अगस्त जो कि आजादी का अमृत महोत्सव था भारत में, 75 वर्ष पूरे हो रहे थे भारत के, ठीक है, कोई नहीं, खैर प्रधानमंत्री जी के बर्थडे पे आ गया। अब यह होता है कि चीता जो है इस फ्लाइट में आर नॉट जस्ट द फाउंडर्स ऑफ द न्यू पॉपुलेशन बट एक्सप्लोरर एंड गुडविल एम्बेसडर फॉर द एंटायर स्पीशीज। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें यह भी कहा गया, इसमें जो एक आप तरह से कह सकते हैं कि चीते जो लाए गए हैं वो सिर्फ जानवर नहीं है, या आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ स्पीशीज नहीं है जानवरों की, वो बहुत कुछ आप कह सकते डिनोट करते हैं अपनी तरफ से, है ना। पहली बात आप कह सकते हैं वो फाउंडर है नई पॉपुलेशन का, एक नई सुबह का, एक नए सवेरे का, बहुत सारी चीजें इस पे लिखी गई हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पेपर की भाषा जो आपको मालूम है न्यूज़पेपर्स की भाषा कैसी होती है ना, तो बहुत कुछ बोला गया है कि एक नया आगाज है, एक नई शुरुआत है, एक नया सूर्योदय हुआ है, बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ा के भी बोली जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अगर हम उसको बोलें तो आप उसको एग्जैजरेशन बोल सकते हैं, इन अ वे हाइपरबोल बोला जाता है अंग्रेजी में तो उसको, लिटरेचर में, ठीक है। खैर एक्सप्लोर किया जाता है एम्बेसडर फॉर द एंटायर स्पीशीज, उनको क्या कहा गया है कि वो गुडविल एम्बेसडर है पूरी स्पीशीज के लिए, ठीक है, एक तरह से। और ये रिलीज किया गया है स्टेटमेंट किसने कहा है, ये प्रेस रिलीज है चीता कंजर्वेशन फंड की, और इसके डायरेक्टर का नाम मैंने आपको बताई दिया है कि उन्होंने बहुत ही काम जो है इस पे किया है, ओवरसी की है प्रोजेक्ट पे। इनके डायरेक्टर का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो वो बहुत एक नाम जो उनका निकल के आता है, उनका जो लॉरी माका का नाम बताया ना मैंने आपको, लॉरी माका इनकी डायरेक्टर है, ठीक है, तो उन्होंने बोला है, और उनका बड़ा लॉरी माका, मैं लिख देती हूं लॉरी माका उनका नाम है, ठीक है, जो डायरेक्टर है इसकी चीता कंजर्वेशन फंड की, और बहुत उन्होंने मैंने बताया ना कि बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है उन्होंने चीता को यहाँ लाने के लिए। अब इसमें एक और चीज़ आप समझ लेते हैं कि जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारी लोगों को जैसी दिक्कतें हो रही हैं, काफ़ी लोगों को समस्याएं भी हो रही हैं, है ना, तो इसमें एक नाम जो निकल के उभर के सामने आया जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, इस वजह से मैं नाम बता पा रही हूँ आपको, देवव्रत पवार करके एक स्टूडेंट हैं जो कि पीएचडी स्टूडेंट हैं, डॉक्टरेट स्टूडेंट हैं,
जिन्होंने कूनो नेशनल पार्क में काफी लंबा समय गुजारा है, उनका ये कहना है कि भैया देखिए 2010 में यहाँ पे रणथंभौर से टाइगर लाए गए थे, ठीक है, जो 2020 तक यहाँ पे रहे, लेकिन उनके साथ भी आप कह सकते हैं कि समस्याएं जो है वो होती हैं, अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि लेपर्ड भी हैं, लायन भी हैं, तो क्या होता है जो बिग कैट्स होती हैं इनको अपना क्षेत्र जो है वो बहुत प्यारा होता है। तो उनका ये कहना था देवव्रत पवार जी का कि हो सकता है आगे जाके ये जो चीते आए हैं इसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न होने लगे, पर ये एक माइंडसेट है, ये एक अलग चीज़ है, ये मतलब कोई वो तो अभी पीएचडी कर रहे हैं, तो उनका एक स्टेटमेंट था क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबा समय कूनो नेशनल पार्क में गुजारा था, लेकिन इसके बारे में काफ़ी सारी अलग धारणाएं भी हैं। नाउ अब उनको क्या किया गया, वेट्स हैड फुल एक्सेस टू द कैट्स इन नॉन स्टॉप फ्लाइट। वेट्स मतलब क्या, वेटनरी डॉक्टर्स जो थे उनको बाकायदा फ्लाइट पे रखा गया था कि अगर कोई समस्या कोई दिक्कत आए, अब जैसे भाई हमें मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है ना, कई लोग होता है कि भैया मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, बाय कार अपन ट्रैवल करेंगे तो उल्टियाँ होती हैं, चक्कर आते हैं, अब वो भी तो हो सकता है ना, इतनी लंबी दूरी से आ रहे थे बेचारे, उनको कौन सा वो रोज़ रोज़ फ्लाइट पे बैठते हैं, कभी कभी पहली बार तो जा रहे थे वो फ्लाइट से कहीं, तो हो सकता है उनको कोई दिक्कत आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो उसके लिए जो है वेटनरी जो डॉक्टर्स थे वो उनके डिस्पोजल पे थे, ठीक है, पूरी फ्लाइट में वो साथ में रहे उनके। और इंडियन अथॉरिटीज विल अंडरटेक द सॉफ्ट रिलीज ऑफ द फेलिन्स इन 6 स्क्वायर किलोमीटर एनक्लोजर आफ्टर दे आर रेडियो कॉलर्ड फॉर मॉनिटरिंग, उनकी रेडियो कॉलरिंग की जाएगी। अब क्या हुआ कि वो जंगल में छोड़ दिए गए, तो ऐसा नहीं होगा कि अभी उनको फ्री छोड़ दिया जाएगा कि जहां घूमना है घूमो, पूरी दुनिया जो है तुम्हारी है टाइप का, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, उनकी रेडियो कॉलरिंग की जाएगी, मॉनिटर किया जाएगा उनको, और उनको एक एनक्लोज्ड एनक्लोजर में रखा जाएगा, 6 किलोमीटर का एनक्लोज्ड एनक्लोजर उनके लिए दिया गया है, जिसमें आपने देखा होगा ना फोटो कि वो जब वो उसमें से वो जाली जो है उठाई गई और प्रधानमंत्री पीछे खड़े थे बड़े बढ़िया से एकदम गॉगल शॉगल पहन के और एकदम जैकेट वैकेट पहन के, और वो उठाई गई और उसमें से चीते बाहर निकले, तो चीतों से ज्यादा जो है वो कैमरामैन ने फोकस किस पे किया, प्रधानमंत्री पे किया, तो वो सब कुछ भी चीजें थी। खैर उनको अभी क्या किया जाएगा, 6 किलोमीटर के एनक्लोजर में रखा जाएगा जब तक वो थोड़े से एक्लेमेटाइज नहीं हो जाते, अकस्टम नहीं हो जाते नए हैबिटेट को। और बाय गॉड अगर आपने वो चीतों की फोटो देखे ना जब वो बेचारे बाहर आए, तो अब उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, मतलब भाई ये हो क्या रहा है, ये दुनिया में चल क्या रहा है, ये लोग जो हैं ये कौन लोग हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, मतलब बाय गॉड इतना ब्लैंक स्टेयर दे रहे थे ना वो कि उनको लग रहा था कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ, जैसे वो अंडे में से फूटते ना चू 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 करते हुए बतख के बच्चे, बिल्कुल वैसे बेचारे वो बाहर निकले, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि इतने टाइम से तो हमको बंद करके लाए, ठीक है, डिब्बे में बंद करके रखा था, अब एकदम अचानक आके कहीं खोल दिया, ना हमारा जंगल है ना हमारी जगहें दिख रही हैं, कुछ अलग ही जगह है, ठीक है, तो अभी उनको इसी वजह से एक्लेमेटाइज करने के लिए 6 किलोमीटर के दायरे में रखा जाएगा तकरीबन महीने भर तक। अब उसमें एक और ट्विस्ट है, अब क्या है कि इसमें 3 चीजें हैं कि अब 2 बहुत ही प्यारे से हाथी बाबा जो है हाथियों को लाया गया है, ठीक है, 2 हाथियों को लाया गया, उनका नाम आपको मालूम है, एक का नाम है लक्ष्मी एक का नाम है सिद्धांत, ठीक है, 2 हाथी हैं, और ये कहां से लाए गए हैं, सतपुड़ा रेंज से नर्मदापुरम से इनको मंगाया गया है, और इनका बड़ा अच्छा रोल है, मतलब वो जो सिद्धांत है वो 30 साल है, मतलब और ये जो है लक्ष्मी जो है ये 25 साल की हैं, ठीक है, और इनका बड़ा सही रोल है कि ये क्या काम करेंगे मालूम है आपको, वो सिक्योरिटी के लिए रखे गए हैं चीतों की, तो आप समझ रहे हैं, मतलब हाथियों को जिम्मा दिया गया है चीतों की सिक्योरिटी करने का। अब क्या है, ये लक्ष्मी और ये जो सिद्धांत हैं ये बहुत सही हैं, मतलब अपने काम में बड़े सही हैं, हालांकि थोड़े से जिसको कहते हैं गुस्से वाले हैं, मतलब ये लक्ष्मी जी के बारे में बोला जाए तो कहा जाता है कि 2 महोत जो है उनको मार दिया इन्होंने, लेकिन खैर बाकी अपने काम में बहुत सही हैं, ठीक है, थोड़ी सी नहीं सिद्धांत भाई सब जो है वो थोड़े से गुस्से वाले हैं, शायद उन्होंने मारा 2 महोत को, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस पर, लेकिन बहरहाल मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि एक थोड़े से काम है एक थोड़े से गुस्से वाले हैं, ऐसा है। और सिद्धांत जी जो हैं इनके साथ ये भी कहा गया कि इनको पहले काम दिया गया था टाइगर्स की संरचना के संरक्षण का, तो ये टाइगर्स को पहले बचा चुके हैं, अब इनको काम दिया गया कि आपको चीतों को देखना है, ठीक है, तो ये जो है ये, और इनके आने से पहले जब ये इनका जो ये एनक्लोजर वाला एरिया ना इस पर इनको दोनों को छोड़ दिया गया था, दोनों हाथी बाबाओं को, तो ये अपना बढ़िया काम कर रहे थे, और वहाँ पर इन्होंने इनफैक्ट लेपर्ड जब घुसपैठिए करने की कोशिश कर रहे थे, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे एनक्लोजर में, तो उनको भी इन्होंने भगा दिया, ठीक है, तो ऐसी बात आ रही है, तो मतलब ये आपको उनकी क्रेडिबिलिटी का या इनके क्रेडेंशियल के बारे में पता चल जाए, सिद्धांत लक्ष्मी के, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो इनको काम दिया गया। अब इनको क्या काम दिया गया कि बाकी कोई बिग कैट जो है वो आसपास ना आए चीतों के, या बाकी कोई भी किसी भी प्रकार का, अब बाकी तो उनको किससे खतरा है, ठीक है, छोटे मोटे जानवर तो आ भी जाएं तो क्या ही है, प्रे बेस बन जाएंगे इनका, लेकिन बड़े जो बिग कैट्स हैं चाहे टाइगर है लायन है वो सब ना आए, घुसपैठ ना करें, इसलिए इनको दोनों को एम्प्लॉय किया गया है, दोनों को वहां पे रखा गया है, ठीक है, सिद्धांत और लक्ष्मी को, ठीक है, अब उनको तनख्वाह मिलती है नहीं मिलती है आई डोंट नो। अब
और इसके अलावा पोचर्स एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, पोचर्स जब आपको मालूम है रेंजर्स के लिए पोचिंग बहुत बड़ी समस्या है, उनके लिए क्या होता है, पोचर्स क्या होते हैं, जो इलीगल ट्रैफिकिंग करते हैं बड़े बड़े जानवरों की, या बड़े बड़े जानवरों की नहीं, वाइल्ड लाइफ की जानवरों की, ठीक है, तो उनके लिए कई बार क्या होता है, वो पानी में क्या मिला देते हैं, जहर मिला देते हैं। सबसे आसान तरीका जो पोचिंग का होता है वो होता है कि जो पीने का पानी होता है उसमें ये लोग जहर मिला देते हैं। इसलिए आपको रेंजर्स वगैरह जो है फॉरेस्ट में रहने वाले, वो हमेशा जो पानी जो भर जाता है उसका निरीक्षण करते हुए दिखेंगे, ठीक है, दिखेंगे इन द सेंस नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह चैनल देखा करो उसमें दिखेंगे, ठीक है। तो उसमें एक और चीज आई है कि चार जो बड़े कैनाइंस हैं, जंगली कैनाइंस हैं, उनको भी रखा गया है ताकि वो इनकी सुरक्षा करें। तो आप समझ रहे हैं, चीतों की सुरक्षा करने के लिए आदमियों की जो फौज है वो तो है ही, उसकी जगह दो हाथी बाबा एम्प्लॉय किए गए हैं और चार बड़े बड़े डॉगीज, बड़े बड़े कैनाइंस जो हैं, जो शिकारी कुत्ते होते हैं, उनको भी रखा गया है ताकि वो पोचर से बचाएं। ये जो है हाथी बाबा, ये लोग क्या करेंगे, ये बाकी जो जानवर है उनको आसपास नहीं आने देंगे, और वो जो चार बड़े बड़े कैनाइंस हैं वो पोचर से बचाएंगे चीतों को, ठीक है। तो ये सी चीज क्लियर हो गई है, अब इसको देख लेते हैं। बेस्ड ऑन कैरिंग कैपेसिटी एस्टिमेट द पोटेंशियल चीटा हैबिटेट कवरिंग ओवर 3200 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको आप मान सकते हैं अप फ्रॉम द करंट 740 स्क्वायर किलोमीटर इन कूनो लैंडस्केप विद रेस्टोरेटिव मेजर्स एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी ये बोला जा रहा है कि आगे के टाइम पर, जैसे कि ये बोला जा रहा है कि अगर भैया ये अच्छे से सेटल हो गए तो नामीबिया से हम और भी चीते मंगा सकते हैं, ठीक है। और ये भी बात हो रही है कि आगे के टाइम पे ये जो क्षेत्रफल है ये बढ़ सकता है, तो उसमें क्या होगा, अभी तो 21 की बात हुई है, आगे चल के अगर आप देखें तो कहा जा रहा है कि आराम से 36 चीते जो है यहाँ पे रह लेंगे या सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैंने कहा था ना कि बहुत ही सुंदर सा प्लेन जो था वो बोइंग 747 को सजाया गया था, सी कितना सुंदर सा उसको चीते के मुंह का सजाया गया, हालांकि ये शेर जैसा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन वॉट एवर, आप भावनाओं को समझिए, ठीक है। द प्रोजेक्ट हैज अ बजट ऑफ 39 करोड़, मतलब कितना प्रोजेक्ट का बजट है, 39 करोड़, तकरीबन 40 करोड़ के आसपास है भाई साहब डॉलर, 5 मिलियन खर्च हुए हैं इस पे, कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है। और इंडिया क्या अलाउ करने की बात कर रहा है, इंडिया एम्स टू अलाउ द चीतास टू परफॉर्म इट्स फंक्शनल रोल एज टॉप प्रेडेटर, मतलब क्या, हम जो ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं कि हम ग्रासलैंड रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, और हम इनको क्या एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, एज टॉप प्रेडेटर हम इनको एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड स्पेस फॉर द नेचुरल एक्सपेंशन ऑफ द चीतास विद इन इट्स हिस्टोरिकल रेंज, देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं इसमें कहा गया है कि आप उनकी हिस्टोरिकल रेंज, जो कि आपको मालूम है सेंट्रल इंडिया की हिस्टोरिकल रेंज है, आप उनको वापस ला रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, एक ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट में भी आप इनकी मुहिम में इनके साथ, आप एक तरह से कह सकते हैं दिस इज अ वेरी पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन काफी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है क्योंकि अपने तरह का पहला है, और क्योंकि इनकी संख्या इतनी कम है, तो अगर यहां पे ये जिसको आप कहते हैं प्रोजेनेटर्स, अगर ये हो पाए, इनकी प्रोजेनीज आ पाए, तो इट विल बी अ वेरी 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 काइंड ऑफ अ बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम के तौर पे हम इसको देखेंगे। अनदर मेजर ऑब्जेक्टिव जो है इस प्रोजेक्ट का वो क्या है कि चीता को आप क्या यूज करेंगे भाई साहब, एज अ करिस्मेटिक फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीशीज के तौर पे, ताकि वो गार्नर कर सकें क्या रिसोर्सेज फॉर रिस्टोरिंग ओपन फॉरेस्ट एंड सेवाना सिस्टम दैट विल बेनिफिट बायोडाइवर्सिटी। तो एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि सेवाना, जैसे मैंने कहा था इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक होता है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपके ग्रास लैंड आ जाते हैं, सेवाना आ जाते हैं, तो आप क्या बात कर रहे हैं, आप इनको क्या करेंगे एज अ करिस्मेटिक, अभी बहुत सारे काम कर रहे हैं, एक तो गुडविल एम्बेसडर तो हो ही गई है, चीते के चीते हैं ये, ठीक है, करिस्मेटिक फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीशीज भी हैं, तो ये क्या करेंगे, आपको एक तो ग्रासलैंड जो है उनको बढ़ावा देंगे, रिस्टोर करेंगे ओपन फॉरेस्ट और सेवाना सिस्टम को, और आप कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने में बहुत कारगर साबित होंगे। बायोडाइवर्सिटी तो आपको मालूम है, बायो मींस लाइफ फॉर्म्स, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या अंडरटेक किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन एन अवेयरनेस कैंपेन इन स्कूल फॉर चीता कंजर्वेशन फ्रॉम सितंबर 9th। अब क्या हुआ कि ये हम लाने वाले थे, ये हमें क्लियर हो गया था, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो हमारे सरकारी स्कूल वगैरह है ना वहां पे हमने मुहिम चलाई है कि भैया सबको बताओ कि इतना बड़ा काम जो है होने वाला है, मार्केटिंग तो हमारी पॉइंट ऑन है, ठीक है, मार्केटिंग तो हम बहुत सही करते हैं, तो हमने क्या किया है कि हमने चीते आने वाले हैं और चीते से रिलेटेड हमने क्या किया है, कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है वो स्कूलों में रन किए हैं, जिसमें आप कह सकते हैं 17,000 स्टूडेंट्स को हमने इन्वॉल्व किया है, इतने 12 स्टेट्स में,
ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई गई हैं, ठीक है, फॉर्मलाइज किया गया है कम्युनल जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको, और इनको चीता मित्रास जो है इनको बोला गया है। अब इनके लिए ना एक तो बहुत बढ़िया बात है हमारी सरकार की, कम से कम इस सरकार की, कि ये नई पॉलिसीज हों, पुरानी पॉलिसीज हों, कोई सी भी पॉलिसी हो, लेकिन इनमें एक चीज़ जो होती है वो ये हो जाती है कि ये उसको नाम बहुत बढ़िया बढ़िया देते हैं, है ना। चाहे आप किसी भी बात कर लीजिए, आप ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पहले नहीं होती थी, स्टार्टअप इंडिया बात कर लीजिए, डिजिटल इंडिया बात कर लीजिए, आत्मनिर्भर भारत बात कर लीजिए, है ना, वैसे ही आप बात कर लीजिए, चीता मित्रों को, मित्र जो है वो उनको बोला जाएगा, ठीक है। और लोकल मैस्कॉट का जो नाम रखा गया है वो आपको मालूम है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। लोकल मैस्कॉट जो है उनका नाम रखा गया है चिंटू चीता, ठीक है, जैसे वो शेर खान था ना, वैसे इसका नाम जो है वो चिंटू चीता रखा गया है। शेर खान कब था, वो कॉमनवेल्थ का मैस्कॉट था, ठीक है, वैसे इसका नाम जो है चिंटू चीता रखा गया है। अब देख लो, गवर्नमेंट क्राइटेरिया जो है प्रोजेक्ट सक्सेस का शॉर्ट टर्म है, जिसमें अगर अपन बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है शॉर्ट टर्म में, 5 साल का जो टाइम है उसमें बात की गई है 50% सर्वाइवल ऑफ द इंट्रोड्यूस चीता फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है। बहुत बड़ा हमने, बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि हमने बहुत ही एम्बिशियस, जो आप कह सकते हैं एक तरह से एम्बिशियस हमने पॉइंट नहीं रखा है। हमने सबसे पहले तो क्या बात कर ली, हमने ये बात कर ली सीधी सीधी सी कि भैया अगर 50% जो चीते हम लाए हैं उसमें से अगर 50% जो चीते हैं वो सर्वाइव हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया काम है पहले साल में, ठीक है, ये बात की गई हमने। फिर चीता एस्टैब्लिश कर सकते हैं एस्टैब्लिशिंग होम, दूसरी बात हमने ये कही कि जो चीते हम लाए हैं जिनको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है कूनो नेशनल पार्क में, अब हम ये देख लें कि कूनो नेशनल पार्क को अपना घर समझ ले, मतलब बिल्कुल ये घर बसा ले यहाँ पे, ठीक है। अगर ये इतना भी इनने कर लिया तो हम खुश हो जाएंगे, है ना, तभी हम समझेंगे कि हमारा जो ये प्रयास है वो सार्थक सिद्ध हुआ, ठीक है। पहली चीज़ तो हमने क्या कह दी, 50% सर्वाइवल हो जाए। दूसरी बात हमने क्या कह दी, हमने कह दी कि भाई ये जो है चीते जो हैं ये इस्टेब्लिश कर ले जो होम रेंजेस है KNP में, ठीक है, ये बात बोली हमने सक्सेसफुली कर लें। दूसरी बात हमने बोली कि रिप्रोड्यूस कर लें सक्सेसफुली काय में, वाइल्ड में, ठीक है, कि पहली बात जैसे हमने कहा कि इनकी जनसंख्या जो है बढ़ जाए, है ना, मतलब ये 8 से 10 हो जाए तो हम बहुत ही खुश हो जाएंगे, फिर तो हम बहुत ही बढ़िया हम समझ लेंगे, ठीक है, तो रिप्रोड्यूस करना सीख लें वाइल्ड में। दूसरी बात जब हम बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड बॉर्न चीता कब्स टू मोर देन अ ईयर, चौथी बात हमने की कि अगर भैया यहाँ पे कोई इनका बेबी होता है, ठीक है, कुछ छोटू सा कब आता है, छोटू से चीता आता है, मतलब चिंटू चीता एक्चुअली में आता है कोई, तो वो वाइल्ड में, हमारे यहाँ की वाइल्ड में सर्वाइव करना सीख ले, और कितने टाइम तक सर्वाइव करे, 1 साल तक कम से कम सर्वाइव करे, जैसे मोर्टैलिटी रेट देखते ना हम, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, उस टाइप की हम बात करने कि भैया इनका जो इन्फेंट आएगा उसका मोर्टैलिटी रेट क्या है वो है, ठीक है, अगर 1 साल तक वो सर्वाइव करना सीख जाए तो बहुत ही काम हो जाए, बढ़िया। एंड F1 जनरेशन जो है दैट इज फर्स्ट ऑफस्प्रिंग ब्रीड जो है वो सक्सेसफुली हो जाए, ठीक है, तो मतलब आप क्या समझ रहे हैं, 5 हमने बात की है, ठीक है। गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में अगर आप बात करेंगे कि भैया सक्सेसफुल अगर प्रोजेक्ट होना है तो ये 5 क्राइटेरिया है इनिशियली जो बात हुई है। पहला क्या, पहला अपन ने बात की कि 50% जो आए हैं 8 में से, पहली बात 50% उसमें से सर्वाइव हो जाए पहले साल में, ठीक है। दूसरी बात ये हुई है कि वो चीते जो है वो क्या करें, चीते एस्टैब्लिश कर लें कि वो अपना घर मान लें, बिल्कुल बस जाएं यहाँ पे, भूल जाएं वो अफ्रीका के जंगलों को, ठीक है, वो पूरी तरह से अपना लें इंडिया को और हमारे कूनो नेशनल पार्क को, ये हमारा सेकेंड मोटिव है, ठीक है। तीसरा ये है कि रिप्रोड्यूस कर सकें वाइल्ड में, ठीक है। चौथा ये है कि रिप्रोड्यूस कर दें और छोटू सा बेबी होगा इनके चीते का बेबी, वो 1 साल से ज़्यादा सर्वाइव कर ले, मतलब उसकी जो मोर्टैलिटी है भाई साहब वो ना हो, बेचारा अच्छे अच्छे से वो रह ले, है ना, उसको दिक्कत ना हो, ऐसा ना हो कि वो सर्वाइव ना कर पाए, ये दिक्कत ना हो, ठीक है। और पांचवा जो हमारा प्रोजेक्ट है, आप ये मान सकते हैं कि F1 जनरेशन के जो हैं, जो ऑफ स्प्रिंग जो हैं वो सक्सेसफुली ब्रीड कर पाए, तो ये 5 अगर चीज़ें हो जाएंगी तो हम मान लेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट चीता है, चीता इज बैक जो है वो सक्सेसफुल है। फेलियर किसका माना जाएगा ये समझ लो, ठीक है, प्रोजेक्ट को आप फेलियर तब मानेंगे अगर इंट्रोड्यूस चीता जो है, जो आपने यहाँ पे लाए हैं, वो सर्वाइव नहीं करे, ठीक है। ये तो सबसे बड़ी बात होगी कि भैया आप लेके आए और वो बेचारे रह ही नहीं पाए यहाँ पे, ठीक है, तो वो अपने आप ही फेल हो गया, है ना, पूरा आपका टाइटा है फिश, मतलब बचा क्या, वो तो आप लेके आए उनको, इतने पैसे आपने खर्च किए, बिना आपने स्टडी किए, मतलब इस पर बहुत क्रिटिसिज्म भी होगा कि इतने लोगों ने अपना दिमाग लगाया, इतनी कमिटी गठित हुई, फलाना ढिमका दुनिया की चीज़ें पिछले 15 साल से सोच रहे हैं, उसके बाद लेके आए और वो सर्वाइव नहीं हुए, ये फेलियर है। या वो आप कह सकते हो कि आने वाले 5 साल में अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करते तो, ठीक है, तो भी आप उनको बोलते हो कि जितने लाए हो उतने से सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे वो, तो भी आप इसको फेलियर मानेंगे, ठीक है, तो भी आप इसको फेलियर मानेंगे। इन सच केसेस द प्रोग्राम नीड्स टू बी रिव्यूड फॉर अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज और डिसकंटिन्यूएशन द एक्शन प्लान हैज रिकमेंडेड।
अब इसमें क्या हुआ है, बैकअप प्लान तो आता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई साहब हैबिटेट देखने के लिए मंगाया गया था एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, पायलट प्रोजेक्ट पे. तो अगर ये दोनों चीज़ें स्थितियां आती हैं, उत्पन्न होती हैं कि या तो लाए हुए चीते जो हैं सर्वाइव नहीं कर पा रहे, या जो आए हैं तो अगले 5 साल में वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, जितनी संख्या उतनी कुत्ती रह जाती है, या अगर 50% भी, जैसे होता है कि 50% बचते हैं लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, जो भी बात होती है, तो फिर क्या होगा उस केस में, एक्शन प्लान जो है प्लान बी जो है वर्क करेगा. मतलब ऐसे केस में फिर आप इसको पूरी तरह से रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या अल्टरनेटिव निकाले जा सकते हैं, या क्या अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज लाई जा सकती हैं, या फिर आप इस प्रोग्राम को पूरी तरह से रद्द कर देंगे. ठीक है, आप इसको पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर देंगे, ये एक्शन प्लान ने रिकमेंड किया है. ठीक है, With this we have come to an end. हमने पढ़ लिया है पूरा चीता इस बैग के बारे में. मज़ेदार था, मुझे लगता है मैंने काफ़ी फ्लिप साइड की स्टोरी भी आपको बताई. और 2500 लोगों को जो, मतलब टोटल 2500 लोगों को जो डिस्प्लेस किया गया है, जिसमें से 3 गांव के मैंने नाम बताए, उसमें से 250 फैमिलीज थी जिनका, जिनके नाम आ रहे हैं डिस्प्लेस करने के, या आपने 1500 पहले के थे. ठीक है, तो वो चीज़ आप समझ गए हैं. बाकी सारी चीज़ें भी आप समझ गए हैं, कितने आए हैं, कितने टाइम पे, क्या फेलियर होगा, क्या किस मामले में वो सक्सेसफुल होगा, ये सब कुछ आपने समझ लिया है. बाकी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप YouTube पे जब आप देखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी उसमें. बाकी हमसे अगर आपको कनेक्टेड रहना है ऑफकोर्स, तो हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं. आप हमसे कैसे कनेक्टेड रह सकते हैं, YouTube तो आप जानते ही हैं, ठीक है, हमारा चैनल आप जानते ही हैं. बाकी आप Facebook पे हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, आप Insta पे हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं, आप Telegram के माध्यम से हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं. जैसे आपको मालूम है 100% वॉच फ्री है. ठीक है, आपको कंटेंट मिलता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको कोई बाय नाउ पे लेटर कूपन कोड कुछ भी अप्लाई नहीं करना. और ओलंपियाड के साथ साथ आप बाकी कोई भी पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे आप स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं, अगर आप यूपी बिहार बोर्ड से हैं तो वो मिल जाएगा आपको, CBSE इंग्लिश हिंदी मीडियम में हैं आप तो वो सब कुछ भी आपको यहीं मिल जाएगा. ठीक है, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन. और जैसा मैंने कहा कि यूट्यूब पे आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं अगर कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो. ठीक है, On this note, I'm signing off. You take care of yourself. Thank you very much.